हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में यून जेन को लिनचू की ऑफिस में देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन सामने लिनचू था तो इसलिए मुस्कुराने का नाटक करती है और कहती है, आ चू मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। तो जेन सोचती है मैनेजर को आ चू बुलाना, शायद ये दोनों काफ़ी क्लोज होंगे। लिनचू कहता है जब हम स्टोर में होते हैं तब मुझे मैनेजर बुलाया करो। तो यून कहती है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आंटी ने ये तुम्हारे लिए इंग्लैंड से भेजा है। तो जैन सोचती है कबाब में हड्डी क्यों बनना, तो इसीलिए वो वहाँ से चुपके से जाने लगती है, लेकिन लिनचू उसे रोक लेता है और कहता है जैन टियान चलो हम साथ में चलते हैं। तो जैन कहती है लेकिन, और उस वक्त यून चिढ़ने लग जाती है, बट फिर भी वो स्माइल करने का नाटक करती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो गुस्से में है। मैनेजर और जैन बाहर निकलते हैं, तभी जैन यून की ओर देखकर सोचती है ये पागल है क्या। जैन मैनेजर से कहती है मैनेजर मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ। तो मैनेजर कहता है हाँ जाओ। सीन शिफ्ट होता है किचन की ओर, जहाँ पर एक लड़का बोलता है सब शांत हो जाओ मैं अपना इंट्रो देता हूँ, मैं काली हूँ और तुम सबका सुपरवाइजर हूँ, मैं अभी आप सभी के अरेंजमेंट्स बताने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर यून आ जाती है। वो काली को कहती है तुम स्टार्ट करने से पहले सभी के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो काली उसकी ओर गुस्से में देखकर कहता है तुम मुझे लाला लैंड के रूल्स सिखा रही हो, अब से हम पॉइंट सिस्टम यूज़ करने वाले हैं और अगर कोई लेट आया तो उसका 1 पॉइंट कट हो जाएगा। सो ये स्टूडेंट आज लेट आई है तो आज से ही तुम्हारा 1 पॉइंट कट होता है। यून कहती है मैं आज ही लेट आई हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर के पास कुछ काम था। तो काली कहता है ये कोई बहाना नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम पहुँच नहीं जाओगी तब तक ओवन के अंदर की केक तुम्हारे आने का इंतज़ार करती रहेगी, क्या वो जलेगी नहीं। एज अ बेकर अगर तुम्हारे पास टाइम का गुड कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुम कैसे अच्छी केक बना पाओगी। और तभी वहाँ पर स्टोर मैनेजर लिनचू आ जाता है और कहता है काली तुम इन लोगों पर इस तरीके से चिल्लाओगे। तो उसे देखकर स्टूडेंट्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये मैनेजर होगा, इसे तो मैंने पहली बार देखा है, ये कितना हैंडसम है। काली कहता है हम सब एडल्ट्स हैं और ये सभी इतने सेंसिटिव नहीं हो सकते। लिनचू काली के पास आकर कहता है सभी लोग सुनो, कोई भी काली से नहीं डरेगा, ये बस दिखने में रूड है। और काली अपने मन में सोचता है हे मेरी कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। लिनचू कहता है काली चलो सबको इस हफ्ते का टास्क बताओ। लिनचू कहता है ठीक है मैं आप सबको इस हफ्ते का गोल बताता हूँ, आप सबको ये सीखना है कि लाला लैंड की बेस्ट सेलिंग ग्लूटिनस स्ट्रॉबेरी केक कैसे बनती है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं, जैसे कि ये सीखने के लिए बस 1 वीक ही मिलेगा, मैंने ये सब कुछ पहले ट्राई किया हुआ है, बहुत अच्छा बनता है ये, और ये सब कुछ करने के लिए स्ट्रॉबेरी सील वाली मिलेगी ना। काली कहता है 3 मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को मैनेजर के साथ कंट्री वाइड न्यू प्रोडक्ट्स शोकेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मैं आप सभी के काम के लिए उत्सुक हूँ। यून गुस्से में उन सभी की ओर देखकर कहती है ये तो बच्चों का खेल है। काली कहता है तुम सब पेयर्स में काम करोगे और मैं अभी सभी के पेयर्स अनाउंस करता हूँ, जेन टियान एंड जेंग यून तुम दोनों एक टीम हो। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।